गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग का चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इससे पहले हम लोग टॉपिक कर चुके हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और आज हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बिना इनफर्टिलिटी के साथ हम एक साथ में एक टर्म और पढ़ते हैं, स्टेरिलिटी। जो इनफर्टिलिटी है इसमें क्या होता है कि इसमें कपल्स कंसीव करते हैं, इसमें होता है कि जो लेडी होती है वो कंसीव करती है, लेकिन जो है वो फुल टर्म होने से पहले उसका बेबी जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाना। यानी कि कुल मिला के हम कहें तो कंसीव तो है, यानी कि यहाँ पर कंसीव तो कर पा रहे हैं लेकिन बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। रीजन्स कुछ भी होंगे, अभी हम लोग डील करेंगे। स्टेरिलिटी में क्या होता है, ये कंसीव ही नहीं कर सकते, ये कंसीव ही नहीं कर सकते। आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, जो स्टेराइल कपल्स होते हैं, जो स्टेराइल कपल्स होते हैं दे कांट प्रोड्यूस, कपल्स दे कांट प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन, ये तो रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा हुआ है ना, स्टेराइल कपल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो आज हमारा दोनों में डिफरेंस समझ में आया, तो आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी का, यानी कि आपका इनफर्टाइल होना, यानी कंसीव कर पा रहे हैं यानी बेबी नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स की कोई प्रॉब्लम है। कॉज भी तो कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, कॉज आपके साइकोलॉजिकल होता हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ड्रग्स प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ड्रग का ऐसा इफेक्ट आया हो कि जो इस तरह से वर्क करे कि जो मेल है वो ठीक से रिस्पॉन्स ना कर पाए, उसका ऑर्गन ठीक से रिस्पॉन्स ना कर पाए, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, रीजंस कुछ भी हो, जितने आप बुक में लिखे हैं सारे रीजंस आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक बात ये है कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं तो अब ये भी चाहते हैं कि इनको बेबी हो, लेकिन ये सारे कॉसेस जो इनके साथ लगे हुए हैं इसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से इनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना होता है कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, आज के टाइम पे क्या हो गई है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स आई हैं, इन स्पेशल टेक्निक्स को कहते हैं ART। क्या कहते हैं? ART, यानी असिस्टेड इन असिस्ट करना, असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉरी टेक्निक्स। तो ये जो टेक्निक्स है, ऐसी टेक्निक्स जिनके यूज करने पर जो इनफर्टाइल कपल है वो बेबी प्रोड्यूस कर सके, ऐसी कंपाइल टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? ART कहते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, इसी ART का पार्ट है, ये जो ART की जाती है ये करते कैसे हैं, इसका मेन पार्ट आता है, सब इसी के अंदर हम बता रहे हैं, IVF, ठीक है। मतलब एक समझ लो ये बहुत बड़ी टेक्निक है, और टेक्निक के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है IVF, क्लियर है। अब IVF का मतलब, इसमें बेटा दो चीज है, आपको दो कंडीशन समझनी होगी, विवो और विट्रो। इसे क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब पहले हम विट्रो और विवो का मतलब समझ लें, तब तो हमें ये विट्रो समझ में आएगा वर्ड। विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। ओके, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन कराना है वो हमें आउटसाइड द बॉडी करानी है, क्लियर है। तो अब ग्रुप समझ में आया, ये है टेक्निक्स का नाम क्या है, जो कंप्लीट टेक्निक है, जो पूरा सिस्टम लेकर आए हम, हाँ, उसका नाम है ART। ART के अंदर हम किस तरह का प्रोसेस यूज करते हैं, हम प्रोसेस यूज करते हैं IVF का, है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अभी कितने भी मेथड्स आएंगे, लेकिन सबका इंटेंशन बस यही होगा कि हम विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, यानी बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, इसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं,
एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम ईटी कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये जो पूरा प्रोसेस है एम्ब्रियो ट्रांसफर को कंपाइल करके, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम सुना होगा ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, एक तरह की आईवीएफ ही तो है, जिसमें हमने क्या किया, बाहर देखो ये उसका मेन क्रक्स है, इस आईवीएफ टेक्निक का मेन क्रक्स है, क्योंकि हम बाहर फर्टिलाइज करेंगे, फिर जो एम्ब्रियो बन जाएगा हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, और उसी में से एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम आप जानते हैं, उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। ऐसे टेक्निक को क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, अब पहले स्टेप पे आते हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा ज़िफ्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप पूरा ही इसे बना लेंगे बेटा, आपको इसलिए अलग से लिख करके सारे अब्रिवेशन क्लियर करने होंगे। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को फिर आपको फेलोपियन में ट्रांसफर करो, क्लियर है। तो यानी इसमें क्या करना है, इसमें आपको डोनर से लेना है उनका स्पर्म, यानी कि उनके गैमेट्स लेने हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, और उसके बाद क्या करना है, उनको फ्यूज करना है, और उसके बाद जब वो जाइगोट बन जाएगा, खुद कह रहे हैं ना जाइगोट, तो जाइगोट कह सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो। क्या कह सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियो। ध्यान रखने वाली बात है, जब ये 8 ब्लास्टोमेयर का होगा, जब ये 8 ब्लास्टोमेयर का होगा तब हम इसको क्या करेंगे, ये खास बात है कि जब 1 ब्लास्टोमेयर का होगा तभी हम इसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन में ट्रांसफर करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है, इसी को बेटा, इसी में एक स्टेप और है कि यही जो आपका जाइगोट है, यानी कि जो आपने अभी डोनर से लिया और जो आपने पूरा फर्टिलाइज कराया, यहाँ पर क्या हुआ है, आपने डोनर से गैमेट्स लिए, उसको फर्टिलाइज कराया, जब वो पूरा डेवलप हो गया, जाइगोट बन गया या अर्ली एम्ब्रियो बन गया, जो कि 1 ब्लास्टोमेर का था, तब आपने फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सेम चीज इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटराइन ट्रांसफर क्या कहता है, यानी सेम, यही जाइगोट यही अर्ली एम्ब्रियो, लेकिन कितना होना चाहिए, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर का हो जाएगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर अगर उसमें हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अब हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कहाँ करना है, कोई यूटरस में करना है, देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ फेलोपियन में करना है, इसमें यूटरस में करना है, क्लियर है। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट आते हैं GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो खुद कह रहे हैं गैमेट, यानी कि क्या करना है, हमें दो उसको लेना है, क्या कहते हैं मैम, जैसे सपोज मेल के साइड से प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल ओवा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन मेल के साइड से स्पर्म काउंट पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, गैमेट लेंगे और उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसे हम फैलोपियन में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका गिफ्ट। नेक्स्ट है ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करना है, आपको एक एम्ब्रियो बनाना है, और एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ये आपका ओवा, आपने ओवा ले लिया कहीं से, लाइक डोनर से आपने ओवा लिया, और क्या किया, इसमें आपने एक स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया। अब ये जब आपका एम्ब्रियो बन जाएगा तब आप इसे वापस से फर्दर ट्रांसफर के लिए भेज देंगे, फिर ये मदर की बॉडी में जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। आपको मेन देखना है कि इसमें मेन फंक्शन क्या कर रहा है, खुद करना साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म को साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद बेटा एक टेक्निक है आर्टिफिशियल, दिख रहा है आपको AI, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल क्यों कहा, नेचुरली नहीं हो रहा ना, इस वजह से आर्टिफिशियल कहा, इंसेमिनेशन। इसमें क्या है बेटा कि वैसे जो पूरा इनफर्टिलिटी का केस है उसमें 70% होता है कि मेल की रिस्पांसिबिलिटी होती है, या मेन रिस्पांसिबल, जो मेन रिस्पांसिबल होता है जो कपल में से, वो मेल होता है, उसके लिए ही बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ जो है दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से जो है अपने रीजन इतने सारे देखें तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फर्टाइल नहीं रह पाते, वो कपल जो है वो क्या करता है कि वो लेडी को प्रेगनेंट नहीं कर पाता है, ओके। अगर प्रेगनेंट हो भी जाती है तो भी जो है आगे तक के लिए दिक्कत होती है, तो खैर यहाँ जब तक हम मेल की बात करेंगे तो प्रेगनेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे सजेशन है इस पूरे टेक्निक का, वो है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये खुद में कह रहा है कि या तो
किसी वजह से आप बहुत सारे कॉजेज आप आगे जब दूसरी क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। तो पहला केस ये है, ये हो सकता है कि जो मेल है वो फीमेल के विजाइना में इंसेमिनेट ही ना कर पा रहा हो, सीमेन को इंसेमिनेट ही ना कर पा रहा हो, ठीक है ना। दूसरा रीजन हो सकता है कि उसके सीमेन में स्पर्म की जो काउंट है, जो 2 to 3 billions ऑफ स्पर्म होने चाहिए पर इजैकुलेशन, तो उसके स्पर्म हो सकते हैं नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लो स्पर्म काउंट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसे इंसेमिनेट ही नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से तो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो मीन्स कि हमें क्या करना है, इंसेमिनेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डोनर से या तो फिर हम उसी जो उनके कपल में से जो मेल मेंबर है उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको जो है आर्टिफिशियली, यानी कि ये नेचुरली नहीं है ना, आप अपने मशीन के थ्रू क्या करेंगे, फीमेल की वजाइना में आप इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इसे वजाइना में ट्रांसफर करेंगे, और फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर ये जायगोट बन जाएगा, फिर ये एम्ब्रियो बन जाएगा और ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये सेम चीज बेटा, ये सेम चीज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हम वजाइना में कर रहे हैं तो ठीक है, ओके, इंसेमिनेशन के साथ ये डायरेक्ट आप वजाइना के साथ जुड़ेंगे। लेकिन यही सेम चीज अगर आप यूटेरस में जोड़ देते हैं, मतलब आप डायरेक्ट जो है आप जो इंसेमिनेशन कराने को कहाँ करा दिया आपने, यूटेरस में जाके करा दिया, यूटराइन कैविटी में करा दिया, तो उसे हम कहते हैं IUI, है ना, यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, इसमें बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है, आपको टॉपिक अगर क्लियर, आपको पता हो जाएगा कि किसको किसको क्या मिला के करना है। ओके, वैसे ये जो पूरी टेक्निक्स हैं जहाँ पर IVF कराया जाता है, ये जो स्टेरिलिटी के जाके इनफर्टिलिटी के जो सॉल्यूशंस जहाँ आपको दिए जाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव लेबोरेटरीज होती हैं, बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर की ज़रूरत होती है, आप इसको किसी और से किसी भी से भी नहीं करा सकते। दूसरी चीज़, और तो इससे बेटर है बेटा कि यहाँ लोगों का माइंड सेट थोड़ा सा खराब होता है, खराब इन द सेंस के अपने अपने थॉट्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक अपना ही बेबी होना चाहिए, बट अगर आप इस तरह से देखें, सोशली आप देखें, तो इतने सारे ऑफन चाइल्ड हैं जिनको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और जाहिर सी बात है हम ही आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से वो ऐसे बच्चे हैं सोसाइटी में पड़े हुए हैं, तो उनमें से उनकी खुद की तो गलती है नहीं, कुछ भी जो भी है आपके, मतलब जैसे होता है समाज के जो लोग हैं उन्हीं का फॉल्ट है, उनकी वजह से वो प्रोड्यूस हुए हैं, और कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये मेजर इशू है। तो जहाँ पर आप पेरेंटहुड देखते हैं कि हमें भी हमारे पास भी एक बच्चा हो, तो ये सारे टेक्निक्स पे जाने के ये सब बहुत कॉस्टलियर भी है, टाइम टेकिंग है, पर इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए। इससे बेटर है कि थोड़ा सा माइंड ओपन करें और जो ऑफिन चाइल्ड है उसको अडॉप्ट करें, ताकि उनको भी एक अच्छी लाइफ मिल सके और आपको भी एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल सके, क्योंकि कभी ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो खुद का बच्चा होगा वो वही आपका जो है बहुत आपको फॉलो करेगा, मोरल बेसिस पे बहुत अच्छा होगा, मतलब ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर आप इस तरह की चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत एक अच्छा मैसेज जाता है। ओके, थैंक यू क्लास, बाकी जो कुछ बचा रहेगा बुक में थ्योरेटिकल बेसिस पर वो आप इसे पढ़ लेंगे, फिर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।